आबकारी विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक आर एस तिवारी द्वारा पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने के विरोध में पत्रकार क्रांति संघ ने दिया ज्ञापन। कलेक्टर एवं एसपी ने ढाबों पर अवैध शराब बिक्री को लेकर कार्रवाई के तुरंत निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर के शाहपुर क्षेत्र में ढाबों एवं होटलों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री का कवरेज करने गए शाहपुर पत्रकार अनिल महाजन एवं गणेश गहलोत के साथ आबकारी विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक आर एस तिवारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने एवं कवरेज से रोकने के विरोध में आज पत्रकार क्रांति संघ जिला उमेश जंगाली के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोडा को ज्ञापन दिया है एवं दोषी अधिकारी और अवैध रूप से ढाबे एवं होटलों पर बेची जा रही शराब पर प्रतिबंध लगाकर दुकान संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि जिले में धड़ल्ले से ढाबों एवं होटलों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही और ढाबा संचालकों से साठ घाट व संरक्षण मिलने के कारण उन पर कोई अधिकारी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे अवैध शराब विक्रेताओं के हौसले बुलंद हैं। शराब की लत से युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। लोगों के घरों में कलह झगड़े होने की वजह से भी शराब पी रहे हैं। संरक्षण महेश मावले ने बताया कि इच्छापुर रोड पर स्थित चापोरा में होटल कमल राज ढाबा पर अवैध शराब की बिक्री के विरुद्ध शाहपुर के पत्रकार अनिल महाजन एवं गणेश सिंह गहलोत द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी। उसी शिकायत के आधार पर आबकारी विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक आर एस तिवारी ने अनिल महाजन को दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को शाम में फोन कर इच्छापुर रोड स्थित होटल कमल राज ढाबा पर अपने सरकारी वाहन से चलने पर दबाव बनाया और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत को काटने का कहा। अधिकारी की यह बात सुनकर पत्रकार अनिल महाजन ने उन्हें शिकायत काटने से साफ इनकार कर दिया और उनके वाहन से भी जाने से मना कर दिया और कहा कि हम अपने स्वयं के वाहन से ढाबे पर साथ चलते हैं। ढाबा पहुंचते ही आबकारी अधिकारियों ने ढाबा संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वहां कवरेज करने के लिए मौजूद पत्रकार अनिल महाजन एवं गणेश गहलोत से अभद्र व्यवहार कर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। देखिए, हमारे शाहपुर मीडिया कर्मियों द्वारा अवैध रूप से जो ढाबे और होटलों में शराब बिक्री को लेकर मुख्यमंत्री को ऑनलाइन शिकायत की थी। शाहपुर पत्रकार अनिल महाजन और गणेश गहलोत द्वारा ये शिकायत की थी। शिकायत के आधार पे आबकारी विभाग ढाबों पर कार्रवाई करने पहुंचा था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय आबकारी विभाग के अधिकारी जो कि आर एस तिवारी जी हैं, उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय पत्रकारों से वहां अभद्र व्यवहार किया, अपशब्द कहे और कार्रवाई करे बिना ही वहाँ से लौट गए, जिसके विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देकर उन पर कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? मैं उमेश जंगाले। कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ में आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार करा, कहीं ना कहीं शराब की बिक्री हो रही अवैध रूप से ढाबे और होटलों पर, क्या कार्रवाई की? देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से मीडिया के सियासी ने ज्ञापन दिया है कि उनके किसी पत्रकार साथी के साथ में आपका विभाग के किसी उप निरीक्षक तिवारी के द्वारा दुर्व्यवहार करने की बात सामने आई है। तो अभी एक सीडी भी मुझे दी गई है। इस सीडी को देखने के बाद और जो वीडियो फोटोज आप लोग मुझे उपलब्ध कराएंगे, समझ अधिकारी को हम लोग कारण बताओ नोटिस भी जारी करेंगे और यदि ये पाया जाता है कि दुर्व्यवहार की बात है तो हम उसमें जो है जो अनुशासन कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है वो करेंगे। साथ ही साथ एक तथ्य ये भी आया कि हाईवे के किनारे या ढाबों पर जो अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है, इसमें भी हम लोग, चूंकि अभी आचार संहिता का टाइम भी है, एक अभियान चला के कल से ही जितने भी ढाबे और ये तमाम जो होटल हैं जो ये सब बेचने के लिए अधिकृत नहीं है उन सब पे कार्रवाई कराएंगे। ज्ञापन दिया गया आज एसपी महोदय को और कलेक्टर महोदय को, हमने यहाँ पर ज्ञापन प्रदान किया है। समस्त जो जिले के मीडिया कर्मी हैं ग्रामीण और शहरी, उन्होंने आज यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया। हाल ही में कल एक घटना हो गई थी, मीडिया कर्मी हमारे कुछ साथी कवरेज करने गए थे इच्छापुर रोड पर, तो वहाँ पर अधिकारी ने उनके ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कहकर उनको डराया धमकाया और जिसको लेकर हमने आज क्या नाम है आपका? नीलेश महाजन। हमारे पत्रकार साथी अनिल महाजन पर आबकारी विभाग द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कलेक्टर और एसपी महोदय का ज्ञापन देकर आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है। यदि इस पर कार्रवाई नहीं की जाती तो पत्रकार संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम, क्या आपका नाम? मैं महेश मावले। कल तो हमारे साथी मीडिया कर्मी कवरेज करने गए थे, उस समय आबकारी विभाग द्वारा जो है अभद्र व्यवहार किया गया है, इस बात को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है।
एसपी महोदय जी को और कलेक्टर साहब को शकील खान जो आबकारी विभाग के अधिकारी थे अनिल महाजन उसके साथ उन्होंने आबकारी विभाग किया है उसको लेकर हमने सब पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। अगर आबकारी विभाग के अधिकारी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो आने वाला समय आंदोलन का होगा जिसकी पूरी जवाबदारी क्या नाम है आपका मोहम्मद अहमद मीडिया कर्मी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया उसका हमने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। कलेक्टर साहब ने हमको बताया कि कल सभी ढाबों पे जांच की जाएगी और यह अवैध शराब बंद की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल महाजन। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।